सो गाइज, यहाँ पे ना हमारी मिश्का ना अपना देखिए होमवर्क कंप्लीट कर रही है, और मुझे ना बात बात पे ना थोड़े से ना ये मुझे वो कर रही है, टोन कस रही है। देखिए मुझे बोल रही है, तनिष्का क्या बोल रही है? क्या कह रही है मिशु? आप क्या कह रहे थे, दोबारा बताओ। अच्छा पहले आप बताओ ये क्या बना रहे हो आप? गाइज ये देखिए कलरिंग कर रही है अपनी ड्राइंग में, और मुझे कह रही है देखा आपकी ना छोटी बेटी सुबह से काम में लगी हुई है। कैसे कह रहे थे मिशु आप? वो नहीं कर रही मेरी बड़ी बेटी, नहीं काम कर रही और गाइस मुझे ना कह रही है आपकी छोटी बेटी तो काम में लगी हुई है, इतनी देर से सारा दिन हो गया और आपकी बड़ी बेटी मस्तियां मार रही है। है मिशु मेरी बड़ी बेटी मस्ती मार रही है? कौन है मेरी बड़ी बेटी? आप हो मेरी बड़ी बेटी? तो क्या नाम है? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो? हैं? आप दोनों मेरी बेटी हो ना? दीदी ने हाँ हाँ हेमा। अच्छा चलो जल्दी से कर लेंगे। और गाइस ये देखिए यहाँ पे ना चलो मिशु डू डू फास्ट ओके। देखो देखो गाइस तनिष्का गिर जाओगे, डोंट। फ्रेंड्स को ये तो बताओ आज आपने कितनी स्केटिंग की? आज मैंने बहुत सारी स्केटिंग दिखाओ आपको। नहीं कल, चलो कल कल मैं आपकी स्केटिंग देखूंगी, अभी नहीं कल देखेंगे। सो गाइज यहाँ पे ना तनिष्का मिश्का शावर लेकर ना रेडी हो गई हैं और अपने ना जल्दी जल्दी ट्यूशन का वर्क कर रही हैं, और आज से इन दोनों की हो गई है, इन दोनों की सिर्फ मिश्का की हो गई है आज से समर वेकेशन। और यहाँ पे ना कल मैं ना बहुत ही अच्छी चीज इन दोनों के लिए ना शॉप करके लेके आई। देखिए इसमें ना अलग अलग तरह के यूनिकॉर्न्स हैं, रेनबो वाली ना क्लिप्स हैं ये, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो मैं इन दोनों को अब कह रही हूँ कि चूज करो कौन सी वाली इन दोनों ने लगानी है। सो अपनी अपनी चूज करो गर्ल्स। रेनबो वाली लगानी है, इसको मिश्का को भी रेनबो वाली पसंद आ रही है तो चलो, तो ठीक है ठीक है दोनों रेनबो वाली लगा लो। तू स्टार वाली तनिष्का, बिकॉज यू आर द स्टार, और मिश्का हार्ट वाली है। मिशु हार्ट रेनबो लाओ, तो चलो लगाती हूँ मैं, दिखा मिशु रेनबो 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 लाओ दिखा, इधर दिखाओ, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है मेरी मिशु रेनबो में। गुड गर्ल। अब नाउ तनिष्का योर टर्न। सो गाइस अब तनिष्का की टर्न है, तनिष्का को मिल रही है स्टार रेनबो, और मैं आप तनिष्का के बालों में लगा रही हूँ। देखा तूने हेयर बैंड लगा के बालों कर दिए, ऐसे हो ऐसे स्टार रेनबो 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 रेनबो। मम्मी तो देखो मैं भी, देखो मैं आपकी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इस दोनों गर्ल्स बन चुकी हैं रेनबो रेनबो। अच्छी लग रही है देखो, अच्छी लग रही है क्या? अच्छा फोटो इधर नीचे इधर थंबनेल थंबनेल थंबनेल। अब ये ज्यादा फेसेस ना बनाओ और जल्दी से ना फटाफट होमवर्क डन करो। गाइस देखिए पूरे बेड पे क्या कर रखा है इन्होंने, मैसेज मैं कह रही हूँ जल्दी से फटाफट से, जब तक मैं आती हूँ अपना किचन का काम करके अपना होमवर्क डन करो, ठीक है? ओके मिशु ताशु जल्दी मूव फास्ट। हे एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल फिट एंड फाइन। सो गाइस चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सो गाइस आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से होने वाला है कि ऑल डेज
जिस की तरह मेरा आज का काम भी पूरा डन हो गया है। आज सुबह जैसे ही मिश्का को स्कूल भेजा, आज मिश्का का ये हाल था गाइस कि मिश्का ना जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी स्कूल, बट उसको जाना है अभी 2-3 दिन बस जाना है स्कूल, उसके बाद उसकी छुट्टियां पड़ जाएंगी, समर वेकेशन हो जाएंगे। बट उसका ना मन नहीं हो रहा है क्योंकि दीदी को देखती है, दीदी सो रही है तो कह रही मम्मा मुझे नींद आ रही है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। बट मैंने कहा कि तनिष्क बेटा आज जाओ, आज और कल जाना है, उसके बाद आपकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। कहती है ओके मम्मा ओके, और फिर जैसे ही उसने अपना दूध फिनिश किया ना उसके बाद तो एक्टिव हो गई और आराम से फिर हम उसको ड्रॉप करके आए। सो अभी फिलहाल मेरा और तनिष्का का हो गया है ब्रेकफास्ट, जल्दी जल्दी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, थोड़े से एक दो ब्लॉक थे वो हम लोग इंजॉय कर रहे थे। सो फटाफट से अब जा रहे हैं मिश्का को लेने के लिए, फिर मिश्का आती है तो फिर अपने स्कूल का जो भी है सारी चिटचैट जितना भी भंडारा है ना उसके पास बातों का वो सारा आपके सामने ओपन करने वाली है। सो डेली की तरह चलिए चलते हैं फटाफट से और मिश्का को लेकर आते हैं, और उसके बाद फिर और आज काम है एक तो तनिष्का के डैडी की कुछ चीजें हैं जो वो अल्ट्रेशन के लिए जानी है, उनके कपड़े हैं एक दो वो करा के लाने हैं मार्केट से, और उसके बाद आज गुरुजी का सत्संग भी है बिकॉज आज मंडे है। सो मुझे सत्संग में भी जाना है, पिछली बार मैं नहीं जा पाई थी लास्ट वीक बिकॉज शादी के फंक्शन चल रहे थे, उसकी भागदौड़ लगी हुई थी, तो इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया था, बट मैंने माथा टेक लिया था। सो अब आज जाना है वहां पर भी, सो जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं। फिलहाल तो टाइम हो रहा है मिश्का को लेके आने का, तो जल्दी से इन्होंने ना ये ना बैरियर लगा दिया यहाँ पे किसी बात से ना आ पाए, और ये देखिए किया। तो इतनी जल्दी जल्दी किया और उसके बाद में फटाफट से झट से गई मार्केट, और तनिष्का के डैडी के जो कपड़े थे वो फटाफट से ऑल्टर करा के लेके आई हूँ, फिर प्रेस के लिए दिए हैं, और अब फटाफट खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि देखिए नीचे से आवाज आ रही है जय गुरुजी फर्स्ट ऑफ ऑल, और गुरुजी का सत्संग शुरू हो चुका है, तो मैं जल्दी से सब्जी तैयारी कर लेती हूँ। और मैं सब्जी में आज क्या बना रही हूँ डिनर में, तो आइए जल्दी से बैक कैमरा दिखा देती हूँ आपको। सो आज किचन में डिनर में बन रही है आलू और भिंडी की सब्जी, मैंने भिंडी और आलू जल्दी से कट करके रख दिए हैं, ये जो कूड़ा है इसको मैं फटाफट से ना गाइस इसको फेंक देती हूँ, और यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया है तो मैं जल्दी से इसमें तड़का लगा देती हूँ। इसमें ना ऑयल था, सुबह सब्जी जो बनाई थी मैंने तोरी की तो उसका ऑयल ही था इसके अंदर, तो मैंने सोचा कि इसी में ही तड़का लगा देती हूँ क्योंकि ऑयल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो जल्दी से अब फटाफट से भिंडी में तड़का लगाते हैं और रेडी होते हैं। सो गाइज यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए, जल्दी जल्दी से ना बाल बनाए फटाफट से, और गर्मी इतनी लग रही है आज, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और तनिष्का मिश्का को फटाफट से ट्यूशन से लेके आती हूँ और उसके बाद जाती हूँ गुरुजी के सत्संग में। और जैसे हमेशा शेयर कराती हूँ वैसे ही आज भी आपको गुरुजी का सत्संग शेयर कराऊंगी, और देखते रहिए बने रहिए वीडियो में, और फिर तनिष्का मिश्का के साथ भी बाद में चिट चैट करेंगे बहुत ही अच्छी। सो चलिए पहले गुरुजी के सत्संग में चलते हैं, आ जाइए। जय गुरुजी। सो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ गुरुजी के सत्संग से, अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, वहाँ भी चाय प्रसाद लिया था
बट वही आज शाम की ना मेरी चाय स्किप हो गई थी, तो इत्मीनान से बैठ के पहले चाय पीऊंगी और मिशको को कुछ खिला देती हूँ उससे पहले कि वो सो जाए।